ढूंढ नहीं पायान वी फाउंड फ्रॉम द न्यू टेस्ट मैन और फिर हमने नए नियम के वचनों से देखा गॉड down in केम डाउन इन द मैन एंड ही Is the mediator. परमेश्वर खुद देने वाले और हम जानते हैं की उस पवित्रमेश्वर में परमेश्वर पिता and है, then God the Son, और उसके बाद परमेश्वर पुत्र आत्मा मेक्स वन गॉड है और जब इन तीनों को आप एक साथ जोड़ देते हैं तो वो एक त्री परमेश्वर को दर्शाते हैं एंड सो लास्ट संडे सन डे द लास्ट इन आवर लास्ट मेडिटेशन बी कंक्लूडेड दिस सेकेंड पर्सन इन द होली ट्रिनिटी गॉड द सन केम डाउन एज मैन और हमने देखा किस प्रकार से ये तीसरा व्यक्तित्व जो त्रिएक परमेश्वर में है देधारी होकर एक मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया सो so, विथाउट sin. और बिना पाप के एंड दिस जीसस क्राइस्ट परफेक्टली अंडरस्टूड एंड स्टिल अंडरस्टैंड बोथ द नेचर्स the nature of god as well as nature of man और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बड़े bhali bhati roop se परमेश्वर के स्वभाव को और मनुष्य के स्वभाव को दोनों स्वभाव को जानता और समझता है सो ही बिकेम द मीडिएटर और इसलिए वो मध्यस्थता करने वाला बन गया एज पॉल सेज इन थिमोथी जैसा पॉल थिमोथीस में लिखता वन गॉड एक ही परमेश्वर एंड वन मीडिएटर और एक मध्यस्थता करने वाला द मैन वो मनुष्य वो मानव प्रभु यशुमस आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड बाई द्रॉस और इसलिए वो पहले सवाल का उत्तर क्रूस के द्वारा हमें मिलता नाव द सेकंड क्वेश्चन और वो जो दूसरा सवाल वो पूछता है इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ और वो पूछता है मृत्यु के पश्चात ये सवाल है मृत्यु के पश्चात जीवन क्या है सो जॉब चैप्टर 14 और अय्यूब की पुस्तक उसका 14वां अध्याय वर्स 14 से 14वें अध्याय में लिखा है इफ अ मैन डाइज विल ही लिव अगेन कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर से जीवित होगा नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड आफ्टर डेथ और वो ये सवाल तब पूछा जाता है जब एक की मृत्यु हो जाती है और no, और ये जो सवाल सवाल है है जीवन मरण का। एक कि मृत्यु के पश्चात जीवन कैसा होगा। और ये वो सवाल था जो अय्यूब को परेशान किए हुए था दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय ह्यूमैनिटी all the time. और ये सवाल मानवता के द्वारा हर समय पूछा जाता है Everywhere. हर एक स्थान पर Under the sun. और सूर्य के नीचे जितनी भी स्थान मौजूद हैं। Now it took several hundred of years. और ये लगभग सौ के गिनती में कई सारे साल लगे To be exact, about nearly two thousand years. और लगभग हजारों साल के पश्चात और और लगभग दो हजार साल. Before this question was answered. by the lord jesus christ. इसके लगभग 2000 साल का समय लगा कि जब यीशु मसीह ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। The first person ever to raise this question verbally was Job. और एक ये पहला व्यक्ति जिसने इस प्रकार से इस सवाल को पूछा वो था अय्यूब। He didn't give the answer there that place. और उस स्थान पर परमेश्वर ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। टिबिलिटी और आज के दिन मानवता इस बात को जानती है की पुनरुत्थान संभव है एवरीबडी नो और हर एक जन जानता है नॉट ओनली क्रिस्टियन ना केवल मसीही दी एक्सपर्ट एंड साइंटिस्ट दे ऑल नो द रेसोरेक्शन और अ पर्सन हु इज डेड कमिंग बैक टू लाइफ इज अ पॉसिबिलिटी लेकिन ना केवल मसीही लेकिन वैज्ञानिक और डॉक्टर सब इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका दोबारा जीवित होना भी संभव है सो देयर इज अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस और इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल उठता है इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड क्या ऐसी कोई भी बात है जो परमेश्वर के लिए बहुत कठिन हो करने के लिए एंड दिस इज This is answered a little easier saying, no nothing is too hard for the Lord. और इसलिए थोड़ा आसानी से अगर उसका उत्तर दे तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं If God gave us life, अगर परमेश्वर ने हमें जीवन दिया certainly He restores us. टू लाइफ मेंिस रिमार्क और मेरे मित्रों में आपको ये बताना चाहता हूँ यू आर एंजॉइंग टू डे और वो जीवन जिसका आनंद आज के दिन आप ले रहे हैं

Men and women of all uh, cultures and all nations and all colors, they all live in such a way that they don't give a thought about God. या कह दीजिए दोनों पुरुष और महिलाएं ऐसे जीते हैं कि मानो उन्हें अपने जीवन के विषय में कोई विचार ही नहीं so और वो अपने जीवनों का प्रबंधन खुद करना चाहते हैं। मेरा जीवन है और मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ मुझे बीच में समझाओगे और परमेश्वर के विषय में कोई विचार नहीं बट एटलीस्ट आई प्रेटी स्पिर ट योर हार्ट टू री थिंक दिसमी नॉट माइड लेकिन कम से कम पवित्र आत्मा आपको ये प्रकाशन दे कि ये जीवन जिसका आनंद आप ले रहे हैं वो आपका है ही नहीं नो वन एल्स आंसर और किसी और दूसरे ने इस प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं नो रिलीजन किसी धर्म ने नहीं फिलोसफी no या किसी धर्म, धार्मिक तर्क ने नहीं और नो रिलीजियस फाउंडर्स, या किसी धर्म की स्थापना ने नहीं जिनको लोग ईश्वर कह कर के बुलाते हैं एंड देर इज नो होम वेथ नॉट एंटर और ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ मृत्यु ने प्रवेश ना किया हो नो फैमिली अंडर दि

उसका अध्याय सोल ल कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया दैट ही गेव हिज वन एंड ओनली सन कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया दैट हु

और वो मार्ग था परमेश्वर के पास वापस जाने का Hallelujah. Hallelujah. What a, an that we have. और कितना भरोसा हमारे पास है मेड बाई द लॉर्ड टू गॉड और मेरे प्रियो एक मार्ग है जो परमेश्वर ने खुद बनाया है और वो मार्ग हमें उसके अनंत काल के जीवन की ओर ले जाता है And then John's Gospel chapter one says. और यह होना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में लिखा है. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, और पर वचन ही परमेश्वर था. He was from the beginning. और वो आदि से ही था. And was through him everything was created. और उसके द्वारा हर एक बात की उस रिजा गया. Without him Was that has been और ऐसी कोई भी बात नहीं थी उसके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं था जो नहीं बनाया गया और उसमें जीवन था And that life was the light of man. और वो जीवन मनुष्य के लिए या मानवता के लिए एक ज्योति बना एंड लाइट शाइन इन दस और वो ज्योति अंधकार में चमकती है But the did not लेकिन फिर भी अंधकार ने उस ज्योति को नहीं समझा बट हु इन हिम लेकिन जिस किसी ने भी ये चुनाव किया कि वो उस पर विश्वास करेन फॉर गॉड डिड नॉट सेंड हि टू दर्ल्ड टू कंडेम दर्ल्ड क्योंकि यह होना फिर से कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए जगत में नहीं भेजा कि वो लोगों पर दोष लगाए बट ही लेकिन वो इस संसार में इसलिए आया ताकि उन्हें बचाए जो परमेश्वर के लिए खो गए थे And so here is our hope. और इसलिए यहाँ पर हमारी एक आशा है

और मोक्ष का सिर्फ एक मात्र रास्ता है no इसीलिए है क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं desire, और इसलिए वो जो रखते हैं, वो अनंत तक जीते हैं। और वो परमेश्वर के दंड और न्याय से बचा लिए जाते हैं ओनली होप इज कम टू जीसस क्राइस्ट ह्यूमिलिटी एंड रिपेन्डेंस और सिर्फ एक ही आशा है की आप प्रभु ये मसीह के संग दीनता और मन फिराने के संग आ जाए क्वेश्चन आंसर और यहाँ पर इस सवाल का उत्तर मिलता है यस इट इज पॉसिबल फॉर अ मैन टू कम बैक टू लाइफ अगेन और हाँ मनुष्य के लिए संभव है कि वो दोबारा जीवन को पा सके जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह ही यू सम डेड पीपल उसने कुछ मरे हुआ को जिलाया एज टू शो टू द वर्ल्ड दैट इन हिम इज द रियल लाइफ एंड दैट लाइफ Is the light of man. ताकि वो इस बात को दिखाए कि उसी में ही सत्य का जीवन है और वो ज्योति जगत की ज्योतिल ब्लेंग परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो uh, I want टू

एक अद्भुत प्रकाशन को हम वहां पर देखते हैं वचन वचन से लेकर के तक। अर्थ एंड आफ्टर माई स्किन बीन दस डिस्ट्रॉइड येट इन माई फ्लैश आई शैल सी हिम सी गॉड whom I shall see for myself, एंड माई not, um, not another मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा उसका दर्शन मैं आप ही अपनी आँखों से अपने लिए करूँगा और कोई दूसरा नहीं यद्यपि भी, अंदर अंदर चूर चूर भी हो जाए इन दिस पास नोटिस जॉब्स सर्टेनिटी और इस वचन के इस भाग में आप अयुग की निश्चितता को देस आई नो जब वो कहता है कि मैं जानता हूँ अंदर आई विल सी और मैं देखूंगा

Of revelation. और उस क्षण में चाहे वो बीमारी से हो वृद्धावस्था से उसकी मृत्यु होगी दस ही That his own flesh may be destroyed. And then again he says, My own flesh will see him. और मेरा शरीर उसे देखूंगा सो ही इज रेफरिंग टू बात कर रहा है अपने पुनरुत्थान के विषय लाइफ और एक पुनरुत्थान किया हुआ जीवन एंड सो ही था भले ही उसकी मृत्यु क्यों ना हो। एंड वी नो ही और हमें पता है कि वो मरा। ही इज वेटिंग फॉर रेसरेक्शन और वो अपने उस पुनरुत्थान के दिन का इंतजार कर रहा है And है और वो कहता है कि मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा नॉट एनर्स आई किसी दूसरे की आँखों but से। बट माय ओन आईज लेकिन मेरी सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस कितना निश्चिता और हियाव और भरोसा Here is the answer. और यहाँ पर हम इस उत्तर को पाते हैं। Jobs certainty I know. There are three things about this resurrection. about this redeemer. और इस छुटकारा देने वाले के विषय में तीन बातें हैं। Number one. पहली बात। He is divine. वो दैवीय है। Number two. दूसरी बात। He is personal. वो व्यक्तिगत है। And Number three. तीसरी बात। He is living. वो जीवित है। A living God. एक जीवित परमेश्वर हु क्रिएटेड ह्यूमैनिटी जिसने मानवता को बनाया इज नाउ बिकम द रिडीमर of humanity. अब वो मानवता को छुटकारा देने वाला बन चुका है। So here is your savior. और यहाँ पर आपका उधार करता Come है। Come to Jesus. यीशु के पास आ जाएं। In humility and in repentance. और मन फिराने के साथ और दिन तक के साथ। And surrender साथ। your life to the lordship of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। You find eternal life. तब आप अपने अनंत जीवन को पाएंगे। Jesus said, I am the resurrection and the life. और यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। He who believes in me shall not दे और वो जो मुझ पर विश्वास करता है उसकी मृत्यु ना होगी दो ही भी डेड ही शैल राइज़ अगेन भले ही वो मर क्यों ना जाए वो फिर से जी उठेगा व्हाट एन एश्योरेंस और कितना अद्भुत भरोसा व्हाट आई होप

Of our life after death, वो सब, दूसरा सवाल वो जो पूछता है जीवन जो कि मृत्यु के बाद लुया लुयाड बाई द्रॉस और सारे तीनों प्रश्न का उत्तर क्रूस के द्वारा हमें मिलता है सो द क्रॉस इज दिए वो क्रूस ही उत्तर है आपके उद्धार का and those of you who are listening if there is even one person who has not been united with god come today in humility and in repentance and surrender your life to the lordship of और jesus और यदि ऐसा कोई भी एक भी जन है जो आज के दिन हमें सुन रहा है और परमेश्वर के संग एक मन नहीं हुआ है वो मन फिराने के साथ और दीनता के साथ उस परमेश्वर के संग निकट आ जाए God is ready and परमेश्वर तैयार है और आपका इंतजार कर रहा है क्या आप आज के दिन आएंगे हमारे प्रभु मसीह, द होली स्पिरिट दैट यू ड्रॉ टू टूर्स और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही है कि तू लोगों को अपनी ओर खींचता है और इसलिए परमेश्वर हम तेरे नाम को पुकारते हैं दे तू दया कर एंड ब्रिंक सो मेनी पीपुल और ज्यादा लोगों को लेकर के इन द फेस ऑफ द लॉर्ड जीस प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में थैंक यू धन्यवाद इन जीसस के नाम में गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको आशीष दिस इज अ ग्रेट डे एक महान दिन है एंजॉय दिस डे बाय द मर्सी ऑफ गॉड इस दिन का आनंद आप ले परमेश्वर की दया के अनुसार हामेन हमे